ये तो बाबू जी सच में बड़ी उलझन में दिखाई दे रहे हैं। बाबूजी प्रणाम। अबे मूड खराब है रहमान, मूड खराब है, मूड खराब है बाबू, चरम निरोध आ रहा है। अबे चेहरे पर क्रोध है बे, नहीं सारे तैयार है, बड़े गुस्से में है बाबूजी। आप बैठिए बाबूजी। क्यों से बात करते हैं? अचानक मुझे रहमान बता रहा है कि आपकी तबीयत खराब है, आप तो हमें सच में बड़ी उलझन में दिखाई दे रहे हैं। क्या जाना चाहता है? क्या आपकी तबीयत खराब है? किसने कहा? ये कहा मैं सिर रहा हूँ, ये सारा बात उठा देता बोलता है। आप बड़े गए हो गया है सारे, बड़े गुस्से में आप दिखाई दे रहे हैं। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? बात क्या है? गुस्से का कारण जानना चाहता है। आप नाराज क्यों है? तो सर मेरी बात को मैं कहना चाहता हूँ। बेटे संतोष कुमार, मैं तुझे
समझाने के लिए बुलाया हूं। मतलब जी कि तुमने जो काम किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया है। कहने का मतलब ये कि जो एक दर बदर की ठोकर खाने वाले भिखारन से शादी किया है बेटा तुमने ठीक नहीं किया है। यानी मैंने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया है, इस समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है। आप खुलकर बोलिए, कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ कि तुम उसे मार करके घर से निकाल दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। तबका तबका और लटका रखा है सारा, तुम उसे मार करके घर से निकाल दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। बेटा देखो, अबे नहीं समझता है, अबे मेरी आदत है, आदत तो हर खराब हो जाए कौनो काम बनावे तो लड़के ने फिर तक और पर। अच्छा लड़का हुआ ना भले, लेकिन प्यार से कहा बेटा, अबे मैं तेरा बेटा हूँ, हवा कहीं तो मत बताओ सारी बात। हाँ 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 ए साले कह करके साले, कहीं बात हो तो का। अच्छा चल ठीक है, बच्चे साले जो किया सो किया क्या दे, बेटे संतोष कुमार वो बिल्कुल ठीक है यार। कहने का मतलब ये है तुम उसे मार करके घर से निकाल दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे, अच्छी सी बहू घर में लाएंगे, बहुत सारा दहेज मुझे मिलेगा बेटा। यानी वो खराब बहू है? मैंने ये तो नहीं कहा कि खराब है, लेकिन मेरा कहना है कि तुम उसे मार करके निकाल दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी। कुल मिलाकर वो गरीब है, अब बड़े आदमी कहा हमारी शादी करना चाहते। समझे बाबू तुमने लड़की देखे, बिल्कुल करेक्ट कह रहा, अच्छा सही कह रहा, बता दे बे। अबे बहुत खुशी हो रहा है, कहीं तू भी तो नहीं देखा है? हम बाबू तो डर जल्दी साथ हवाई का है। अच्छा साथ में तू भी गया है? और का अरे भैया क्या लड़की है, काय है बहुत सुंदर है क्या बे? आज तक तुमने इस लड़की का भव ना देखे? हां इतनी सुंदर या जितनी तारीफ करी तो नहीं कम बा, बाप रे इतनी सुंदर या जैसे बेहा फूल। अभी जिस तरह से नहीं कहा जाता, कहा जाता है जिस तरह से गुलाब का फूल होता है उसी तरह से उसका चेहरा है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी चीज की पहचान करते हैं। अच्छा मैं छोटा हूँ, छोटे फूल की पहचान करता हूँ, काबे हाँ फूल ना वाटा है। नहीं है तो लेकिन कहाँ गुलाब गया तो क्यों फूल टक्कर ले ले उसे? ये बात सही है, लेकिन कहाँ गुलाब कहाँ बेहा का फूल में बता दे, कब बता दे भैया हो तो देख लेगा ना भौजी, भूल जाएगा तू ऊपर वाले ने जिस सांचे में ढाल के बनाया होगा वो सांचा तोड़ दिया हो। इतनी सुंदर यार बोलिया, इतनी सुंदर लड़की बा, मम्मी है ये ना आई बा, बस केवल एक आखी कंटे पड़ी होगा। यही कहने के लिए कहा पूछो बे, क्या बे ये बता रहा? अबे उसकी बचपन की आदत है बे। अरे चाहे जरूर आदत हो, लड़की कैसे वो हमसे तो उसे काम करी बाप। हाँ। लड़की बाप उसे वादा करे बना कि तू बारात लेके आवा तो हम अपन फूल सामान दे। कैसा फूल सामान दे? दहेज बाप फूल ना दे। अरे तो ऐसा भी कहते हैं कि बहुत सारा दहेज मिलेगा। दहेज सामान है क्या? अच्छा बात कर बाबूजी। हाँ बात क्या है? आज आपको न जाने क्या हो गया है जो आप इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सावित्री को इस घर में आए हुए आज कम से कम 2 साल हो गए, तो क्या आज तक आपने कुछ नहीं कहा, आज अचानक आप ये बात कह रहे हैं? थोड़े बाबू सामान की जरूरत तो आठ पड़ी सामान चाहिए मुझे, बताए ना वो। हाँ तुम्हारे ख्याल का हाथ में, उसके बाद फिर गौर मत करो। अगर जैसे मैं सावित्री को मार कर ना भगा लूं तो आप क्या करेंगे बाबू जी? न भगाया तो क्या करेंगे? अरे तुझे मार कर घर से नहीं भगाता है तो ले ले साथ में उसे और तू भी मेरे घर से निकल जा। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या समझा? मतलब मैं भी यहाँ से चला जाऊँ? बिल्कुल चला जाऊँ। हमारी बात सुनिए बाबू जी। बोल
कि हमसे गलती हुई है। आप इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस घर के मालिक हैं, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। हर माँ बाप के दिल में तमन्ना होती है, सपना होता है कि अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करें। मैंने आपको ये मौका नहीं दिया। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। कौन सी बात? यही बात से बापू आज खटी कर रहा है। अरे खटी क्या है? क्या बोला? दिल में आपके खटी साले खटक रही है। कहीं नहीं पाए बाबू, यह बात से गुस्सा ना। हां देखो सही कहा। तो क्या करत रहा? कहना कहा बोल रहे हो? पसंद करत रहा। हां बाबू बतावे क्या कर रहा? हां अगर बाबू बताए होता तो का बाबू खड़ा भी ना करो। चल नहीं बाबू क्या होता है? हां क्या कहा तुमने? वही बात तो मैं भी कह रहा हूं अहमद। कितना वक्त नहीं था कि मैं आपकी इजाजत दे सकूं। आप ही सोचिए बाबूजी, क्यों एक अनाथ है, बेसहारा है और हमारे बच्चे की माँ भी बन गई है। तो क्या हुआ? अगर मैं सावित्री को मार कर भगा दूंगा तो बेचारी कहाँ जाए? कहीं नहीं जाए, मुझे कोई बात नहीं। हम सब के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है बाबू। कुछ भी हो आप गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। जो काम करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं वो कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता? नहीं बाबू जी, नहीं हो सकता। तो मेरी बात क्या छोड़े अगर अगर तो मेरी बात को मानता और उसे धक्के मार करके घर से निकाल देता। बाबूजी आप हमारे सगे बाप हैं। हाँ सगे बाप थे और सगे बाप रहेंगे। तब क्यों मेरी बात को इनकार कर रहा है? सोच है कि जो आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं उल्टा सीधा बोल ले रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ उसे करता हूँ, तुझे करना है या नहीं? अगर मैं सावित्री को मार कर भगा दूँ तब तो आपको मैं सगा बेटा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा क्या है? अच्छा भैया जब तुहार लड़कियाँ सगा नाम है तो क्या कर रहे? तुहार है बाबू जी। हाँ बात क्या है? आप बार बार कह रहे हैं कि भिखारन से मैंने शादी किया, आपकी बेइज्जती हो रही है। बिल्कुल सही कहा मैंने। अच्छा एक बात ये आप ये बताइए, ये अपने घर में किस चीज की कमी है? मतलब जमीन जायदाद धन धन दौलत सब कुछ भरा है घर में, रुपया पैसा किसी चीज की कमी है? सब हुआ क्या? सम्मान की कमी कोई बात? सम्मान सम्मान भर जवाड़े प्यार करे थे। बिल्कुल सही। तुम्हारे रिश्तेदार बाबू मुझे पैसे ठेका दो छूटे था। कहना मैं आपसे यही चाहता हूँ। हाँ कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, हाँ तब क्या इस समाज में आपकी बेइज्जती नहीं होगी? क्या ये गांव वाले आपसे ये नहीं कहेंगे कि शेर जगन्नाथ इतना बड़ा आदमी होकर पैसे के कारण अपनी बहू अपने बेटे को मार कर भगा दिया? अबे ऐसा तब इस समाज में आपका सम्मान बचेगा? हाँ बताइए, जिसके पास रुपया है, पैसा है, धन और दौलत है, क्या दहेज नहीं लेता? दुनिया दहेज ले रही है, जितना बड़ा इंसान होगा उतना ही दहेज मांग रहा है। मुझे चाहिए तो सिर्फ दहेज दहेज दहेज। यानी आपको दहेज से प्यार? बिल्कुल चाहिए। पैसे से प्यार है? हाँ। बच्चे से कोई प्यार नहीं है? प्यार। बाबूजी अगर आपको प्यार होता तो आप ऐसी बात ही ना करते। हमारी बात सुनिए, जो मैं आज तक मैं आपसे नहीं कहना चाहता था, जो नहीं कहना चाहिए वो कहना चाहता था। हमारी नहीं तब तक
क्या कहा तुमने कि जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी तब तक इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी बात तो मेरे घर को छोड़कर जाऊंगा नहीं बाबा, और इसी घर में रहूंगा। हमारी बात सुनिए, इस घर में मेरी जन्म देने वाली माँ रहती है। अच्छा, और वो आपकी पत्नी है, मैं उसका बेटा हूँ। इस हिसाब से इस प्रॉपर्टी में मेरा आधा हक है, शब्बाओ आधा हिस्सा है। अगर मेरी माँ मुझे अभी कह देगी संतोष कुमार तुमने एक भिखारा लड़की से शादी करके बहुत गलत काम किया, इस घर को छोड़कर चला जा, माँ का सब बाबू जी मैं इस घर जन्म भूमि को छोड़कर तुरंत चला जाऊंगा, कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा अपनी सावित्री को लेकर, लेकिन जब तक हमारी माँ नहीं कहेगी तब तक मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा समझाया तूने मुझे, कहने का मतलब इसमें तेरा आधा हिस्सा। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल समझा रहा है, तो मेरा बेटा होकर मुझे समझा रहा। खैर कोई बात नहीं, आधा हिस्सा तेरा है और जब तक तेरी माँ नहीं कहेगी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। कैसे चला जाऊंगा? तो ठीक है बेटा, इसी वक्त रहमान इसका फैसला हो जाएगा। बुलाना इसकी माँ पार्वतिया को, इसी वक्त फैसला होगा। उठा के पटक दूंगा साले तो मर जाएगा। जाओ उसे लिवा करके पहुंच जाता। जाओ बाबू थोड़े माइक फसला करी है।